नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ग्राम रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सिद्दीकी अल्फास। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर मुंबई ने खुद को एक कदम आगे रखते हुए साल 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का रोड मैप तैयार किया है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर दुनिया भर में चिंताएं जताई जा रही है। कई देशों ने साल 2050 तक खुद को शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बनाने की भी घोषणा कर दी है, लेकिन मुंबई ने इस पहल में खुद को एक कदम आगे रखा है। ऐसा करने वाला वो दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। भारत की आर्थिक राजधानी ने इसके लिए करीब 2 करोड़ लोगों के घर में ऊर्जा, पानी, हवा, कचरा और हरित स्थल से लेकर परिवहन तक तमाम पहलुओं के प्रबंधन के लिए व्यापक प्रस्ताव दिए हैं। मुंबई को भारत के अमीर शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ गरीबी और झुग्गी बस्तियाँ भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। यहाँ पर कई गांव मछली के व्यवसाय पर भी निर्भर हैं। ऐसे में साल 2050 में समुद्र का स्तर बढ़ने से शहर के कई हिस्सों में बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ जाएगा, जिससे आने वाले वक्त में इस शहर को करीब 92 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है। इस तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया ग्राम रिपोर्ट।